स्टूडेंट्स, मेरा आज का जो टॉपिक है तुम लोगों के लिए, जो नीट एग्जाम, अपकमिंग नीट एग्जाम 2020, उसमें कैसे अच्छा रिजल्ट करना होगा, मतलब केमिस्ट्री में 150 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। मतलब देखो, 2019 का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर एनालिसिस किया हूं मैंने यहाँ पे, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा, मतलब कितना क्वेश्चन रहेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कितना मार्क मिलने वाला है, उसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देखते रहो, और ये जो एनालिसिस, अगर ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है? तो लास्ट तक देखने से क्या होगा, एक अंदाजा लगेगा कि हाँ, नीट एग्जाम में ऐसे करके मुझे प्रिपरेशन लेना है 2020 नीट एग्जाम के लिए। फिर भी यहाँ पे जो नीट एग्जाम है, अभी जो COVID-19, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है और ये भी बहुत खतरनाक वायरस है, तो इसके लिए अभी एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन होने के बाद चल रहा है, तो पता नहीं कौन सी डेट में होगा, 15-20 या फिर एक महीना भी हो सकता है पोस्टपोन करके। तो May 3 में जो होने वाला है ये पोस्टपोन होकर जून में भी हो सकता है, या फिर मई एंड में भी हो सकता है, कोई भी एक संडे को चूज करके बोलो दे सकते हैं, ठीक है? तुम लोगों का जो प्रिपरेशन लेना है वो प्रिपरेशन लेते रहो, रिपीटर्स और नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स, क्लास 12 का जो बोर्ड कैंडिडेट फाइनल दिया हुआ है, उन लोग ऐसे करके प्रिपरेशन ले सकते हो, और ये वीडियो देखो, बहुत ही जरूरी वीडियो है तुम लोगों के लिए, ठीक है? तो देखते रहो। तो टोटल कितना क्वेश्चन रहता है, 45 क्वेश्चन रहता है। तो 2019 का जो टॉपिक वाइज देखो, पेपर लेवल, तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि देखो, बहुत टफ क्वेश्चन ज्यादा रहता है, फिजिकल पार्ट में बहुत टफ क्वेश्चन रहता है, बहुत ही ऑर्गेनिक का बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, हाँ रहता है, मगर उतना टफ, उतना वेरी डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन नहीं रहता है। देखो, इसका ये जो एनालिसिस 19 के एनालिसिस है, तुम लोग 4-5 साल का एनालिसिस देखो, मतलब 2013-14-15-16-17-18 तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कैसे प्रिपरेशन लेना है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मतलब बुक कौन सा पढ़ना है, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो देखते रहो। तो टॉपिक वाइज 2019 का जो एनालिसिस है, यहाँ पे पहले देखो टॉपिक, यहाँ पे क्लास इजी, मॉडरेट, टफ और टोटल, तीन है, फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इसमें क्या है, फिजिकल पार्ट से क्लास 11 से 10 इजी क्वेश्चन आया था, एक मॉडरेट और टफ कोई भी क्वेश्चन था ही नहीं। यहाँ पे 12 का देखो 6 इजी क्वेश्चन, मॉडरेट 8 और टफ कोई भी नहीं, टोटल 18 क्वेश्चन था फिजिकल पार्ट से, ठीक है? अब देखो इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट से क्लास 11 से 5 क्वेश्चन इजी था, एक मॉडरेट और टफ कोई भी नहीं था, 6 क्वेश्चन था टोटल। क्लास 12 का इनऑर्गेनिक 7 क्वेश्चन था, यहाँ पे मॉडरेट कोई भी नहीं और टफ 1 क्वेश्चन था, टोटल 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्लास 11 से देखो 3 क्वेश्चन आया था, इजी, बहुत इजी था, फिर मॉडरेट में था 2, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, तो टोटल 5 क्वेश्चन आया था। फिर देखो क्लास 12 में 2 इजी क्वेश्चन ऑर्गेनिक से, फिर मॉडरेट 3 और 1 टफ था, टोटल 6 क्वेश्चन। और मिसेलिनियस इसमें 11 से 1 क्वेश्चन था, इजी था, मॉडरेट और टफ कुछ भी नहीं था, फिर 12 में 1 क्वेश्चन, मॉडरेट और टफ कुछ भी नहीं था, 1 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पे फिजिकल से 18 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक से 14, फिर ऑर्गेनिक से 11 और मिसेलिनियस से 2, टोटल कितना हुआ 45 क्वेश्चन। तो देखो, अब तुम एनालिसिस 2019 का ही एनालिसिस देख लो, टफ क्वेश्चन कितने थे देखो, 1-2, मतलब टफ क्वेश्चन टोटल मिलाकर यहाँ पे 2 रहा 45 क्वेश्चन से, तो आउट ऑफ 45 43, ठीक है, टफ छोड़ दो, ठीक है, टफ नहीं करना है, छोड़ दो, तो 2 क्वेश्चन चला गया। अब 43 क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो मॉडरेट जो पार्ट है इससे भी काउंट कर लो, टोटल 8 मॉडरेट क्वेश्चन। तो मॉडरेट क्वेश्चन 8 से अगर 3 छोड़ दिया तो कितना बचा रहा है यहाँ पे, 5, तो यहाँ पे 5 इजी, तो 35 इजी क्वेश्चन तो इजी हो ही जाएगा, प्लस 5 40, अगर 40 क्वेश्चन आ जाए तो 160 हो जाएगा यहाँ पे, 150 प्लस मतलब 160, ठीक है। फिर भी यहाँ से मॉडरेट से और भी 2 क्वेश्चन छोड़ दो, कितना हुआ यहाँ पे, मतलब 3 क्वेश्चन,
तो 35 है, यहाँ पे 35 भी कर लेते हो और यहाँ पे तीन क्वेश्चन कर लेते हो, तो टोटल कितना रहा? 38 इंटू 4 152, बस मॉडरेट तीन और इजी तो सब हो जाएगा। 35 152, मतलब 150 प्लस स्कोर हो गया ना, ठीक है। और भी मॉडरेट क्वेश्चन इजीली, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन अगर हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ये 152 क्या 160 165 प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक ही एनालिसिस में अगर बच्चे लोग, देखो मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पे जो बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, जो टफ क्वेश्चन फिजिकल का जो टफ न्यूमेरिकल है उसको लेकर ज्यादा से ज्यादा परेशानी रहते हैं उसको लोग, उन लोगों के हम लोगों फिजिकल का टफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने, अरे टफ न्यूमेरिकल कितना परसेंट आता है देखो, 2 out of 45 टू क्वेश्चन, मतलब 10% भी नहीं, 10% से भी कम, 5 to 6%, तो उसको लेकर क्यों उसमें ध्यान देते हो, इसमें ध्यान देने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ के सिर्फ यहाँ पे पहले इजी जो पार्ट है उसमें ध्यान दो, फिर मॉडरेट वाला चेक करो, फिर टफ अगर टाइम बचा रहा तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो अगला जो पार्ट मैं और एक यहाँ पे टॉपिक, जो चैप्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क आने वाला है, वो चैप्टर के बारे में मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक, जो टॉपिक रहेगा 2020 के लिए बेस्ट टॉपिक्स टू स्कोर द मैक्सिमम अबव 150 प्लस इन केमिस्ट्री। तो देखो इसमें क्या करना है, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, तीन अलग अलग स्टेज में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। तो मैक्सिमम क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पार्ट वन से आएगा, फिर मतलब पार्ट टू से आएगा, फिर पार्ट थ्री से आएगा। तो मैक्सिमम ध्यान कौन कौन से चैप्टर से देना है इसके ऊपर तुम लोग देखो। पार्ट वन का जो चैप्टर लिखा हुआ है इससे ज्यादा के ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, इसमें 5 चैप्टर लिखा हुआ है, इसमें एक एक चैप्टर से तीन तीन करके क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो यहाँ पे अगर तीन क्वेश्चन आए तो 5 3 15 क्वेश्चन हो गया, ये जो चैप्टर्स लिखा मैंने इससे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वन जो है यहाँ पे 15 क्वेश्चन, मतलब प्रिपरेशन लेने के समय ये चैप्टर पहले प्रिपेयर करो, ये चैप्टर पे प्रिपेयर करने से मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ 45 15 क्वेश्चन तुमको आ गया, इजीली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पार्ट वन में देखो क्या क्या था, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर हैलोजन हैलोजेंस, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। उसके बाद पार्ट टू में एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, पी ब्लॉक, डीए ब्लॉक, आयनिक इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्कोहल, फेनोल, ईथर केमिस्ट्री, नेट्रेलाइज, हाइड्रोकार्बन, थर्मोडायनामिक्स, एमाइन, ये जो चैप्टर मैंने लिखा इससे क्या हो सकता है, इसमें जो 11 चैप्टर है इसमें 11 × 2 कितना क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 22, कुल मिला के यहाँ पे कितना रहा 37, आउट ऑफ 37 क्वेश्चन का प्रिपरेशन तुम लोगों को ये जो पार्ट वन और पार्ट टू में ऑलरेडी हो चुका है। अब पार्ट थ्री जो चैप्टर है इससे एक एक करके बाकी 8 क्वेश्चन इससे आने वाला है। 8 क्वेश्चन मतलब तुम लोग कह सकते हो सर यहाँ पे सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन, हाँ सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन स्कीप हो सकता है, यहाँ पे मैंने 10 चैप्टर का मतलब 10 टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा हूं मैंने, तो यहाँ पे 2-3 टॉपिक स्किप करके यहाँ से भी स्किप करके यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे यहाँ से भी यहाँ पे भी आ सकता है, कोई भी मतलब क्वेश्चन यहाँ पे अदल बदल होगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, ये तो होता ही रहता है, अगर यहाँ पे इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चंस ये जो पार्ट वन से आने वाला है। फिर देखो यहाँ पे सॉलिड स्टेट से स्किप हो सकता है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन स्किप हो सकता है, कोई भी एक साल में ये सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं भी आया था, दूसरे साल 2 क्वेश्चन आ गया, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ पे बाकी सारा क्वेश्चन, बाकी सारा टॉपिक से जरूर आने वाला है। और सॉलिड स्टेट यहाँ पे देखो कौन कौन से नहीं आ सकता है, सॉलिड स्टेट से नहीं आ सकता, आ भी सकता है, फिर सरफेस केमिस्ट्री से भी स्किप हो सकता है, बाकी सारा चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो ये सब तुम लोग नोट डाउन कर लो, लिख लो टॉपिक के बारे में, कौन कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है और मतलब कौन सी चैप्टर से ज्यादा, कौन सी टॉपिक में ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, सॉल्यूशंस, मेटलर्जी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रेडॉक्स डाल दो, ठीक है। तो रेडॉक्स पे एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इससे प्रेफरेंस उतना ज्यादा है नहीं,
ठीक है, जरूरी उतना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर तुम लोगों के लिए, और एक चैप्टर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे तुम लोग इसके साथ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखो यहाँ पे अलग करके मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पहले नहीं लिखा था, क्योंकि एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ए ब्लॉक पढ़ने से ही ये सब मतलब कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर भी अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अलग करके देख लो, जैसे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे भी। तुम मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को मैंने पार्ट थ्री में लिखा, ये मतलब ये पार्ट थ्री या फिर पार्ट टू कोई भी एक में रख सकते हो, मतलब पार्ट टू में भी ये तुम ऐड कर सकते हो, तब यहाँ पे 24 क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ से दो क्वेश्चन कम हो जाएगा, ऐसे करके टोटल 45 क्वेश्चन क्लासिफाई हो सकता है। तो लिख लो ये जो प्रेफरेंस है चैप्टर का, प्रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस है 2020 के लिए, इसलिए ऐसे करके तुम लोग प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसे करके मतलब इनऑर्गेनिक फिजिकल और ऑर्गेनिक कैसे प्रिपेयर करना है इसके ऊपर। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे मैं सुपर सिस्टम टू स्कोर 150, तो सुपर सिस्टम जो है इसके बाद जो पार्ट है, देखो कौन कौन से टॉपिक मतलब कौन कौन कैसे ध्यान देना है, कैसे पढ़ना है, नीट के प्रिपरेशन कैसे लेना है, इसके ऊपर देखो डेफिनेशन पार्ट एक रहेगा अलग सा, डेरिवेशन और एप्लीकेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट से 25% क्वेश्चन, फिर डेरिवेशन पार्ट से 15%, फिर एप्लीकेशन से 60%, मतलब किसमें कितना परसेंट ध्यान देना पड़ेगा, ये जो अपकमिंग नीट एग्जाम है उसके लिए किसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, किसमें, हाँ एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, एप्लीकेशन बेस्ड। 25 प्लस 15 40 प्लस 60 कितना हुआ, 100% हुआ। हाँ तो पहले ऑल डेफिनेशन, जितना सारा डेफिनेशन है हर एक चैप्टर, जो चैप्टर मैंने जैसे प्रेफरेंस बताया उस चैप्टर से जैसे डेफिनेशन, बहुत सारे टॉपिक का डेफिनेशन रहेगा, ठीक, पहले डेफिनेशन देखना पड़ेगा, मतलब ये टॉपिक है क्या उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में 25% टाइम यूटिलाइज करो, इसलिए मैंने अगर टोटल 24 घंटे के अंदर 12 घंटा अगर पढ़ोगे प्रिपरेशन लोगे, क्योंकि तुम लोगों के पास अभी बहुत टाइम रहेगा और है भी, ये जो कोरोना वायरस जो है आया इसके लिए बहुत एडिशनल टाइम मिल रहा है तुम लोगों को प्रिपरेशन के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो इसके लिए मैं 12 आवर्स टाइम पर डे तुम लोगों के लिए मैंने क्लासिफाई किया, 2.5 किसमें ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर यूटिलाइज करो 25%, फिर 1.5 आवर ए यूटिलाइज करो डेरिवेशन के ऊपर, मतलब डिराइव वाला जो चैप्टर रहेगा उसके ऊपर, फिजिकल चैप्टर का ज्यादा है, फिर एप्लीकेशन बेस्ड मतलब ये सब अप्लाई करो, मतलब प्रीवियस ईयर जो चैप्टर है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहेगा, ये जो सॉल्व, देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 टू 2019, जितना सारा टॉपिक, सपोज आज मैंने सरफेस केमिस्ट्री से कोलोइडल पार्ट पढ़ लिया, ठीक है, कोलोइडल पार्ट का डेफिनेशन, फिर एप्लीकेशन का पार्ट पढ़ लिया, फिर बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कोलोइडल पार्ट मैंने पढ़ लिया, तो कोलोइडल पार्ट से कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस 10, ये जो 10 साल है 10 टू 19 तक, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर बैठ के प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो, एप्लीकेशन ज्यादा कर रहेगा तो क्या होगा, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो तुम लोगों को एक्सपीरियंस होगा, अगर एक्सपीरियंस होगा तो एग्जाम में अच्छा रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। देखो मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग करके यहाँ पे 8 आवर्स एप्लीकेशन के ऊपर मैंने रखा है, तो ये ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। फिर देखो फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को फिजिकल कैसे पढ़ना है, फिजिकल पार्ट देखो एनसीईआरटी का जो लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, लॉजिकल पार्ट कॉन्सेप्चुअल, सपोज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कौन कौन सा टॉपिक देखना पड़ेगा, जो लास्ट इक्वेशन है, इलेक्ट्रोमिकल सेल है, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, कोल्डर्स लॉ, फेरेडेस लॉ, इसके ऊपर ज्यादा के ज्यादा ध्यान दो, ये टॉपिक पढ़ो, इसके इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था इसमें सॉल्व करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो घर में बैठ के, बस इजीली हो जाएगा। फिर देखो इनऑर्गेनिक, हाँ इनऑर्गेनिक का ये बात ध्यान रखो बच्चों, ये एनसीईआरटी ओनली लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आएगा। देखो बहुत सारा बच्चा और स्टूडेंट कहते हैं कि लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते, ठीक है लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, मगर एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये पढ़ लो, ये देखो, ये देखने से भी कोई भी चैप्टर का आइडिया हो जाएगा, पी ब्लॉक डी ए ब्लॉक, फिर क्लास 11 का एस ब्लॉक, ठीक है ये देख सकते हो, पी ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है पी ब्लॉक डी ए ब्लॉक से, डी ए ब्लॉक से एक दो, पी ब्लॉक से दो तीन क्वेश्चन आने वाला है, 15, 16, 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप
पढ़ लो जरूर। तो ये मैक्सिमम एनसीईआरटी देखने से हो जाएगा। इनऑर्गेनिक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी देखो, जरूर एनसीईआरटी देखो। फिर ऑर्गेनिक के लिए कौन सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक के बारे में बताने से पहले मैं बोलूंगा नेम रिएक्शन ध्यान देना है। नेम रिएक्शन के ऊपर, नेम रिएक्शन छोटा छोटा पेपर में लिख के या फिर एक ही कॉपी में हर एक नेम रिएक्शन लिख के रखो। रख के क्या होगा, एक ही पेज में या फिर दो पेज में हर एक नेम रिएक्शन रहेगा तो किससे क्या होगा। सपोज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एमाइड से एमीन होता है, कौन सा रिएजेंट यूज होता है, ब्रोमीन और KOH और NOH, कोई भी बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बार देखने से वो एमाइड से एमीन होता है, ठीक है। तो ये और रिएजेंट कैसा है, ये करके छोटा छोटा चीट बना के, छोटा छोटा चीट बना के भी लिख सकते हो, कभी पॉकेट में रख सकते हो, एक छोटा छोटा स्टेपल करके एक साथ लिख सकते हो सब, या फिर एक कॉपी बना के कॉपी में दो तीन पेज में ये सब लिख सकते हो एक साथ, हर एक चैप्टर का एक साथ लिख लो, बस बहुत इजीली तुम लोग कर सकते हो। फिर देखो फ्लो चार्ट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन का जो फ्लो चार्ट, बहुत सारा फ्लो चार्ट मिल रहा है आज का, बहुत सारा फ्लो चार्ट है, बुक में भी है, पीछे देख लो। तो इसका क्या करो, ये कॉपी में लिख कर रखो या फिर छोटा चीट बना के एक एक चैप्टर का अलग अलग करके चीट बना के रख लो खुद के पास, या फिर स्टेपल करके एक साथ रख दो। फिर लेजर टाइम है, फ्री टाइम है, ठीक है, बैठ के एक बार फ्लो चार्ट देख लो, ठीक है। इजीली तुम लोग ऑर्गेनिक का जो भी ट्रिक क्वेश्चन आए इजीली कर सकते हो, और इजी क्वेश्चन ही तो ज्यादा रहेगा, ठीक है। बस और मैं दो तीन चैप्टर जो है जिसके बारे में स्टूडेंट का कॉन्फ्यूजन रहते हैं, कैसे पढ़ू, कहां से पढ़ू, कैसे प्रिपरेशन लू, उसके बारे में बताऊंगा। देखो इसी मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ये सब लाइन बाय लाइन कहां से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ो, पढ़ने से इजीली तुम लोग ऑर्गेनिक का प्रिपरेशन ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे करके प्रिपरेशन लोगे तो 150 प्लस स्कोर मतलब 38 क्वेश्चन सही करना कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं तुम लोगों के लिए। तो नीट 2020 में बहुत अच्छा होने वाला है, और इसी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो तुम लोग। तो इसका जो फ्लो चार्ट, इसका जो सिस्टम, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। और जो सेफ्टी मेजर के लिए जो कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के लिए मैं बताऊंगा कि स्टे सेफ और वॉश योर हैंड्स विथ सैनिटाइजर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स एंड यूज मास्क, डोंट गो आउट, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो तुम लोग अपना ख्याल रखो और पढ़ाई पे ध्यान दो। तो केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बायोलॉजी प्रैक्टिस करो, फिजिक्स भी प्रैक्टिस करो। फिर से मैं बताऊंगा, अगर बायोलॉजी ज्यादा प्रैक्टिस करना है 90 क्वेश्चंस, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ठीक है। तो ऐसे करके प्रिपेरेशन करने से इजीली तुम लोग नीट 2020 में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, ये मेरा मानना है तुम लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड, थैंक यू। एंड ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कर देना, ठीक है। Thank you. Thanks for watching.